फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत लोगों की कंप्लेन है कि मेरे नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, तो आप बेल के आइकन पर प्रेस करें और ऑल को क्लिक कर दीजिए तो मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक एप्रिन बनाएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए एप्रिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए देखते हैं। आज जो हम एप्रिन बनाएंगे उसके लिए देखिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। कोई भी कलर का आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, इसमें प्रिंटेड ले सकते हैं, जैसा आपके पास में वैसा आप इसे कपड़ा ले सकते हैं। मेरे पास प्लेन कपड़ा था तो मैं इसे प्लेन पर बना रही हूँ, आपके पास में जो हो वो यूज़ कीजिए। और देखिए मेरे पास इस तरह कॉटन की एक लेस रखी थी जिसका मैं इसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपके पास में कोई भी बॉर्डर रखा हो उसका इस्तेमाल कीजिए, या कलरफुल कपड़ा है तो उसकी पट्टी काट के आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी दुपट्टे का बॉर्डर हो तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जैसे कि आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में देखिए तीन बटन्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये बटन्स हैं। फैंसी बटन आप ले लीजिए, सिंपल बटन ले लीजिए, कैसे भी आप जो यूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे कपड़े को स्क्वायर में कटिंग करेंगे। आप देख रहे होंगे बड़ा कपड़ा है ये, मैंने इस तरह से आप देख रही स्क्वायर में कटिंग किया हुआ है। देखिए मैंने तो बिल्कुल अंदाजे से किया था, इस तरह से फोल्ड करके स्क्वायर निकाल के मैंने एकदम अंदाजे से इसकी कटिंग की है। और उसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए मेजरमेंट किया है, ऐसे तो 68 सेंटीमीटर आ रहा है। 68 सेंटीमीटर बाय 68 सेंटीमीटर का कपड़ा है ये। आप साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ये जो मैंने बिल्कुल अंदाजे से लिया है, इसी तरह से दो और छोटे कपड़े मैंने स्क्वायर में देख रहे होंगे आप कटिंग किए हुए हैं। इसके हम पॉकेट्स बनाएंगे। ये 21 सेंटीमीटर है, कटिंग करने के बाद में जब मैंने इसका अंदाजे से देखा, साइज देखा इसका, तो 21 बाय 21 सेंटीमीटर का ये पीस कटिंग हो रहा है। देखिए साइज बिल्कुल आप अपने हिसाब से अपने अंदाजे से ले सकते हैं। मैंने तो जस्ट अंदाजे से इसे कपड़ा फोल्ड किया, कटिंग किया और उसके बाद में आप लोगों के लिए मैंने इसका साइज मेजरमेंट किया है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे। अब देखिए अब हम हमारे कपड़े पर ये हमारा बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है। बॉर्डर लगाने के लिए देखिए आप या तो सुई धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं या क्लॉथ ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का क्लॉथ ग्लू बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो क्लॉथ ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हॉट ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट ग्लू गन से भी अगर चिपकाएंगे तो बिल्कुल नहीं निकलेगा और धोने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी मर्जी, जो चाहे जैसे चाहे आप बना सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप स्टिचिंग कर लीजिए, स्टिचिंग भी बहुत आसान है। तो करना क्या होगा, इसे हमने बॉर्डर के तौर पर कपड़े के किनारे पर लगाना है। तो कॉर्नर हम छोड़ देंगे, थोड़ा बीच में से शुरू करेंगे इस तरह से। देखिए थोड़ा कॉर्नर छोड़ दिया। कॉर्नर मैं हमेशा इसलिए छुड़वाती हूं ताकि चारों कॉर्नर जब हम बनाए तो बिल्कुल सेम लगे, अलग अलग ना लगे, ठीक है। इस तरह से देखिए हाफ पर मैंने ये रखा और इसे हाफ पर फोल्ड कर दिया। देखिए मेरे पास में तो अच्छी चौड़ी बॉर्डर है तो दोनों तरफ से हो जाएगी। देखिए एप्रिन में दोनों तरफ से बॉर्डर लग जाएगी और लगने के बाद बहुत सुंदर लगेगी। मैं आपको हॉट ग्लू गन से दिखा रही हूं। किनारे पे बहुत अच्छे से लगाएं ताकि निकले नहीं, साथ ही साथ थोड़ा बीच में भी लगा लें। और सेंटर पर लेकर इसे इस तरीके से फोल्ड करके चिपका दें। आगे से चिपकाने के बाद में इसे हम पीछे से भी चिपका लेंगे और इस तरह से पूरे पे हमने ये कपड़े को लगाना है, लेस को हमारी लगाना है, बॉर्डर को लगाना है। इतना लगाने के बाद में मैं आपको कॉर्नर बनाना बताती हूँ। ये देखिए कॉर्नर तक हमने चिपका लिया, अब इसका कॉर्नर बनाना है। बहुत ही सिंपल है, ये देखिए इस तरह से हम साइड में फोल्ड करते, साइड में लगाते हुए आएंगे, दूसरी तरफ आ जाएंगे कपड़े के, ठीक है। और ये जो कपड़ा है इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिक कॉर्नर बन जाएगा आपका, पीछे से भी और आगे से भी एकदम क्रॉस में प्रॉपर बन जाएगा इस तरह से। और फिर ग्लू लगाकर फिर हम चिपका देंगे या स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हम
हमारे कपड़े का चारों कॉर्नर पे, पूरे चारों कॉर्नर पे बॉर्डर लगा देंगे। साथ ही साथ हमने जो पॉकेट के लिए लिया था कपड़ा, उसमें भी इसी तरह से हम इस तरह का बॉर्डर लगा देंगे। ये देखिए बॉर्डर लगकर रेडी हो गए। हमारी दोनों जो पॉकेट हमने बनानी है उस पर भी हमने लगा दिया है और हमारे पूरे कपड़े पे भी हमने बॉर्डर लगाकर तैयार कर लिया है। अभी अप्रैल है तो गले में हमें रस्सी भी चाहिएगी, तो उसके लिए देखिए इस तरह अंदाजे से हम लेस का टुकड़ा कटिंग कर लेंगे और इसे फोल्ड करके थोड़ा छोटा कर लेंगे। इतनी चौड़ी तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहेगी, तो देखिए इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके या तो स्टिच मार लीजिए या फिर आप चिपका लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमारी रस्सी तैयार हो गई, अब इसे हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट करने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल है, इसके एजेस को आप बर्न कर लें तो धागे नहीं निकलेंगे एक्स्ट्रा। थोड़ा अच्छे से ग्लू लगाकर हम इसे चिपका लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरह चिपकाने के बाद में इसे पूरा हम फ्लैट कर लेंगे चिपकाकर और फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए एप्रिन में डालने के लिए हमारी रस्सी भी तैयार हो गई है। रस्सी तैयार होने के बाद में देखिए हम पॉकेट तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है, सिंपल है। देखिए दोनों तरफ इकसार है, कोई भी तरफ से ले लीजिए आप इसे और इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके हम ऑल पिन लगा लेते हैं यहाँ पर, इसे भी इतना फोल्ड करके। इस तरह से देखिए ऑल पिन लगा के हमने तैयार कर लिया इसे, ठीक है। ये पॉकेट लगेगी इस तरीके से, रफली हम ऑल पिन लगा रहे हैं इस पे और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे जो ये फोल्ड किया है हमने वहां तक फोल्ड करके इसे भी हम पिन लगा लेंगे ताकि चिपकाने में हमें सुविधा होगी। ये देखिए इस तरह से दोनों पॉकेट्स को हम तैयार कर लेंगे। पिन लगाने के बाद में इसे हम चिपकाकर तैयार कर लेंगे, पूरा चिपकाकर इसे। ये देखिए हमारी पॉकेट्स भी रेडी हो गई है, बेल्ट भी रेडी है और एप्रिन का ऊपर का हिस्सा भी पूरा रेडी है, बॉर्डर लगकर पूरा रेडी है। अब इसे हम बेल्ट कैसे अटैच करेंगे, सबसे पहले तो देखिए ये मार्किंग मैंने अंदाजे से लिए, एक ये मार्किंग यहाँ पर ले लीजिए। आप अपने पर लगाकर लाइन के हिसाब से कि कैसा बैठ रहा है और एकदम स्ट्रेट हो, ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर से फोल्ड करना है और जो ये हमारा हमने बनाया सर में डालने के लिए बेल्ट, उसे इसके अंदर हम डाल देंगे पहले। अच्छे से आप देखिए इस साइड्स में मैं आपको दिखा रही हूं, पूरे बेल्ट को हमने सीधा एकदम सीधा रखा है, इसे यहां पर फोल्ड किया है। अब जब हम या स्टिच करेंगे या चिपकाएंगे तो प्रॉपर पूरे पे हम स्टिच करेंगे या पूरे को हम चिपकाएंगे, इस बेल्ट को भी यहां पर नीचे चिपकाएंगे ताकि कहीं से भी खुले नहीं ये हिले नहीं। अगर स्टिच कर रहे हैं तो पूरे में हम अच्छे से स्टिच कर देंगे ताकि हमारी बेल्ट निकले नहीं। ये देखिए हमारा बेल्ट लग के रेडी हो गया है पूरा फिनिशिंग के साथ में, आप देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एप्रिन है इसके सेंटर में हम पॉकेट लगाएंगे। देखिए ये चॉइस है, आप चाहे तो दोनों साइड में लगा सकते हैं, एक ही पॉकेट चाहिए सिंगल भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें दोनों पॉकेट्स रखी हैं बट दोनों सेंटर में ये जो वी आ रहा है हमारा उसके, ये आप देख रहे होंगे ये हमारा जो वी ऊपर से हमने बनाया है उसके हमने सेंटर लिया है और एक अंदाजे से थोड़ा और नीचे कर देते हैं हम। ये देखिए सेंटर पर हमने पॉकेट को लगा देना है
और इसी तरह से हम एक बेल्ट और बनाएंगे, दो बेल्ट्स बनाएंगे जिसे हम ये हमारे दोनों कॉर्नर्स पे लगाएंगे जो पीछे की तरफ बंधेंगे। बिल्कुल इसी तरह की बेल्ट बनाएंगे और दोनों कॉर्नर पे हम लगाएंगे। ये देखिए हमारा पूरा एप्रन बनके रेडी हो गया है, ये हमारा नेक हो गया है और ये देखिए साइड में भी हमने पीछे से बांधने के लिए बेल्ट सेम बनाकर लगा ली है। अब लास्ट हमारे जो बटन्स हमने लिए थे कुछ उसे लगाकर डेकोरेट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इस पर बटन्स लगा देंगे, यहाँ जो ऊपर भी है उस पर भी हम इस तरह से बटन लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने सुंदर और आसान तरीके से हमारा एप्रन आज रेडी हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। प्लेन कपड़े के साथ भी आप देख रहे हैं बॉर्डर का कितना अच्छा लुक आ रहा है और साथ में हमने बटन्स लगा दिए हैं। आसान तरीके से बनाया हुआ हमारा ये एप्रन। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।